रेखा ने नई गाड़ी खरीद ली है, देखो यूट्यूब की पेमेंट से। तो कैसी लगी आपको ये गाड़ी, ये देखो भाई आपको दिखा देता हूँ। हंसने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ये देखो हमारे घर पे खड़ी है तो हमारी ही होगी ना, किसी दूसरे की तो हो ही नहीं सकती। यूट्यूब की पेमेंट से खरीद ली भाई, देख लो सोशल मीडिया का पावर, देख सकते हो आप कितना बड़ा है। सोशल मीडिया का पावर बहुत तगड़ा होता है, ऐसे सपोर्ट बनाए रखो। और इसका अकेले का ही एक चैनल नहीं है, इस चैनल के अलावा मेरा एक चैनल और है आरवी रेखा व्लॉग्स, जिसके ऊपर मेरे 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, उसकी पेमेंट भी आती है। तो दोनों चैनल से मिला के हमने बहुत पैसा कमाया, कोई दिक्कत नहीं है। फुल ये देखो इतना बड़ा मकान भी हमने पैसे से बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी फुल मज़ा है, अब इसको गाड़ी चलाना सिखाएंगे। खरीद तो ली भाई, गाड़ी खरीद ली भाई, गाड़ी चलावो तो ना होता ना। अच्छा मैं तो फिर मैं तो चलाऊँ जो, और देखो चढ़ाई के लिए बहुत ही बढ़िया काम कर मिली जा, एक मट हो जाए पानी को जब फुल पानी से भरी हो जाए। और ये चढ़ा देखो, ये बेटी ये चढ़ ये रोजीना चढ़िया हो चाहिए कि बायली से, और यो ही पानी पी पाओ चढ़ना रोटी खा भैया हो जाए। और देखो दीवार पे भी रोटी वोटे डाल मिली चली जा चिड़िया के लिए। पुण्य तो खूब कर रही थी, लेकिन भगवान ने फड़को दे तो नहीं को बेटा, चाचा और बच्चा दोनों सुरक्षित रहे। हाँ हंसना चाहिए, हंसना जरूरी होता है। अब रात के, अब इस वक्त कितने बजे हैं, रात के 10:30, 9:30, हाँ 10 बज गए गाइस। 10 बजे भी हम छत पे घूम रहे हैं, क्योंकि हमेशा हमारा यही रूटीन है, खाना खाने के बाद इसको ऊपर छत के ऊपर मैं टहलाता रहता हूँ, तो ये ऐसे घूमती रहती है टहलती रहती है। और अभी भी शायद सुबह भी उठाता था दर्द, सुबह तो थोड़ी देर 10 कितने मिनट रही थी, मतलब पता नहीं यार क्या हो रहा है, 10-15 मिनट उधर होता रहता है, फिर उसके बाद में ठीक हो जाता है। है गाइज, यह है रेखा और यह है 9 मंथ प्रेगनेंसी लेकर रात्रि विचरण कर रही है, इसके पेट में हो रहा है दर्द। और लास्ट टाइम है, ऐसे ही चलता रहेगा, रोज रोज यार इसके पेट में दर्द होता रहता है बेचारी का। कहाँ करा यार, समझ ही ना आ रहे मेरे तो कि मैं कहाँ करूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। अब डिलीवरी भगवान फटाफट डिलीवरी करवा दे इसकी, बिल्कुल सभी लोग प्रार्थना करें कि रेखा की फटाफट डिलीवरी हो जाए। और जो ये जो पेट में है लड़का है लड़की जो भी है, हमें तो सहर्ष स्वीकार है, ये स्वस्थ रूप से दोनों स्वस्थ रूप से जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित रहे। प्रसाद बच्चा के लिए गया हूँ लड्डू फेवरेट वाले, अब यहाँ मत खा इसको, खाए मत यहाँ मत खाना, घर पे ले जाके खा लेना, हम घर पे ले जाके खाइयो, एक चिकू को भी दे देना है ना। चल ठीक है चल, हाँ थोड़ा थोड़ा बांटेंगे घर पे सबको प्रसाद, ओके। और फिर सुबह के बाद में अभी रात के 9:30 बजे से है ना 10 बजे तक, मतलब आधा घंटा हो गया तेरा ने, हाँ तो लगभग आधे घंटे से इसके दर्द हो रहा है। और अभी भी कुछ पता नहीं है यार कि ये डिलीवरी का पेन है या फिर पता नहीं भैंस की टांग क्या है, कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन क्या बोलते हैं उसको, मतलब क्रैम्प्स, बच्चा घूमता है या फिर उसका घुमा हुआ है, पता नहीं किसका है, हमें नहीं पता यार, फर्स्ट है तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या है क्या नहीं है। फर्स्ट टाइम डर सा रहता है थोड़ा, एक्चुअल में क्या है कि घबराहट जो होती है ना वो होती रहती है और कुछ भी नहीं है। बाकी मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि फटाफट सब अच्छा हो जाए और ओके ओके हो जाए। और अभी 10 मई को शादी है, 10 मई को सिस्टर की शादी है, और भैंस की टांग 22 अप्रैल को उसका लगन टीका जा रहा है, और उससे पहले इसकी डिलीवरी आ रही है। तो और डेट 5 मई की है, लेकिन भैया 5 मई तो मान ही नहीं रहा मैं तो 10 अप्रैल लास्ट खींच के मान रहा हूँ, 10 से 15 अप्रैल मेरे को लग रहा है जहाँ तक गाइज, क्योंकि 10 से 15 अप्रैल ही होगा, क्योंकि जो सोनोग्राफी के अंदर जो डेट है ना वो 1 महीना लेट दे रही, मतलब 9 महीने कंप्लीट होने के बाद 9.5 महीने की टाइमिंग बता रहा है वो, तो वो मेरे को नहीं लगता कि इतना लंबा खींच पाएगा। तो ये फटाफट उससे पहले भी हो जाएगा, ये शायद 15-20 दिन पहले हो जाएगा, 15 दिन पहले हो जाएगा, 15 या 20 दिन पहले। और हो सकता मैं तो चाहता हूँ भगवान फटाफट जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी डिलीवरी हो जाए। अभी देखते हैं थोड़ी देर इसको घुमाएंगे फिराएंगे, थोड़ी देर देखते हैं कितनी देर में दर्द मिटता है, अगर दर्द मिटता है तो ठीक है, नहीं मिटता है तो फिर इसको हम डॉक्टर पे लेके जाएंगे। तो बनी रहेगा व्लॉग के साथ, देखते हैं क्या सीन होता है। तो गाइज आज है 2nd है, और कल रात को इसको थोड़ा दर्द सा उठ रहा था, तो वो दर्द तो ख़त्म हो गया, पता नहीं यार कौन सी प्रॉब्लम है, भैंस की टांग कभी उठती है कभी फिर मिट जाती है, फिर दर्द उठ जाता है फिर मिट जाता है। और रेखा ने नई गाड़ी खरीद ली है, देखो यूट्यूब की पेमेंट से। तो कैसी लगी आपको ये गाड़ी, ये देखो भाई आपको दिखा देता हूँ, हंसने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ये देखो हमारे घर पे खड़ी है तो हमारी ही होगी ना, किसी दूसरे की तो हो ही नहीं सकती। यूट्यूब की पेमेंट से खरीद ली भाई, देख लो
सोशल मीडिया का पावर देख सकते हो आप कितना बड़ा है। सोशल मीडिया का पावर बहुत तगड़ा होता है। ऐसे सपोर्ट बनाए रखो। और इसका अकेले का ही एक चैनल नहीं है, इस चैनल के अलावा मेरा एक चैनल और है आरवी रेखा व्लॉग्स, जिसके ऊपर मेरे 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, उसकी पेमेंट भी आती है। तो दोनों चैनल से मिला के हमने बहुत पैसा कमाया, कोई दिक्कत नहीं है। फुल ये देखो, इतना बड़ा मकान भी हमने पैसे से बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी फुल मज़ा है, अब इसको गाड़ी चलाना सिखाएंगे। खरीद तो ली भाई, गाड़ी खरीद ली, गाड़ी चलावो तो ना होता ना। अच्छा मैं तो चलाऊँ दिक्कत। और देखो चढ़ाई के लिए बहुत ही बढ़िया काम कर मिली, एक मट हो जाए पानी को जब फुल पानी से भरी हो जाए। और ये चढ़ा देखो, ये बेटी ये चढ़ ये रोजीना चढ़ी आओ कि भाई लीजे और यो ही पानी पी पाओ ना, रोटी खा भैया आओ। और देखो दीवार पे भी रोटी वोटे डाल मिली चंडी का चिड़िया के लिए। पुण्य तो खूब कर रही थी, लेकिन भगवान ने फल कौन दे तो नहीं को बेटा, फल तो नहीं देगा तेरे को। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर बालक। या देख नॉर्मल डिलीवरी की जो आदमी कहते हैं मान नॉर्मल हो जावे बेटा, उनका नॉर्मल हो वो चांस बहुत कम रहे हो। तो गाइज आज है 2nd है और आज है प्रथम नवरात्रि, तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रि की। और अभी रेखा डोन और मैं हम आए हैं कहाँ पर, हमारी कुल देवी के मंदिर के अंदर। तो हम माता जी के जाने वाले हैं। ये सामने देखो पहाड़ है ना, इस पहाड़ के अंदर ऊपर है माता का मंदिर। ये देखो ये रहा मंदिर, तो मैं वहाँ चलूँगा और आपको दिखाऊंगा कि मंदिर कैसा है माता का, आंसू जाए माता का। और रेखा डोन तो कहेगी ऊपर नहीं जा सकती, मैं तो जा तो सकती ये नहीं, नहीं मैं जाने नहीं दे रहा इसको, बिकॉज ऊपर बहुत ज्यादा रिस्क है यार, क्योंकि पेट पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, इस वजह से मैं नहीं जाने दे रहा ऊपर। सीढ़ियों में बहुत डिफिकल्ट है, नहीं अब भी प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, मेरे को पता है ना इसलिए। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं फाइनली माता के मंदिर में, और ये छोटा सा मंदिर है माता का। हालांकि मंदिर छोटा है लेकिन चमत्कार बहुत बड़े बड़े हैं। ये छोटू है, यहाँ पे पुजारी का लड़का है ये, और इसका एक छोटा भाई और है। तो ये दोनों ही यहाँ पर शाम को ज़्यादातर ये दोनों ही आते हैं पूजा वगैरह करने के लिए। आज प्रथम नवरात्रि था, फिर भी यहाँ पे लोग आते नहीं हैं, पता नहीं क्यों अपनी कुल देवी को भूल जाते हैं। तो बस यहीं पे मैं आया था प्रसाद लेकर के, और अभी हाथ वाथ जोड़ते हैं माता के। और ये देखिए भाई माता का स्वरूप कुछ इस प्रकार से है, हालांकि माता के दोनों आंखें लगी हुई है यहाँ पे मतलब, लेकिन पता नहीं है किसी ने चुनरी उड़ाते वक्त क्या है कि एक आंख को ढक दिया, पर कोई नहीं। दोस्तों मैं यह प्रसाद लेके आया था माता के दरबार में चढ़ाने के लिए। ये रही फूलमाला, और इसमें मिठाई है, नारियल है ही, और अपना छोटू तैयारी कर रहा है भोग लगाने के लिए। तो हम जागते शुरू कर रहे हैं, ठीक है। एलिफेंट आपको मिल गई है? तोड़ दे नहीं मारा हूँ बेटा, ले मसूर है वो। गाइज मैं प्रसाद चढ़ा के आ चुका हूँ, और चलते हैं हम नीचे, बिकॉज रेखा डोन काफ़ी देर से नीचे बैठी है अकेली अकेली, और उसने मेरे को कहा था कि मेरे को भी प्रसाद चाहिए माता का, बिकॉज़ ये वाले लड्डू उसको बहुत पसंद है। तो ये वाले लड्डू भी खिलाएंगे उसको। मैं क्या कि नंगे पैर आया था इस पहाड़ के अंदर से, यहाँ से अब इतने नीचे से वहाँ रही माता, और
नंगे पैर आने का कारण कुछ भी नहीं है, बस अपनी अपनी श्रद्धा है। श्रद्धा गेल कुछ भी कर सकते हो आप। तो मैंने चप्पल आज नीचे ही खोल दी थी, वैसे तो मैं थोड़ा ऊपर लेके आ जाता हूँ, वैसे यहाँ तक ला सकते हैं, बट मैंने आज नीचे ही खोली अपनी चप्पल्स, क्योंकि आज पहला नवरात्र था ना इस वजह से। तो सीधा नीचे चलते हैं, और नीचे चलने के बाद हम आज डॉक्टर को दिखाने वाले हैं, रेखा को वापस, क्योंकि यार इसके बार बार पता नहीं क्यों क्रैम्प्स उठ रहे हैं, पेट में दर्द से उठता है, तो वो पता नहीं किस चीज़ का दर्द है, मेरे को नहीं पता। तो अभी नीचे चलते हैं और फटाफट डॉक्टर मैडम के पास ही मिलूँगा मैं, बट उससे पहले नीचे जाके रेखा को मैं प्रसाद दे देता हूँ। वो देखो नीचे सीढ़ियों के अंदर नीचे बैठी है, शायद आपको दिख नहीं होगी। ये देखिए भाई, ये बैठी, इसको मैंने बोला था कि गाड़ी के अंदर जाके बैठ जाना, लेकिन गाड़ी में नहीं बैठी है, जाके यहीं बैठी रही सीढ़ियों के अंदर ही। ठीक है, प्रसाद बचा के लिए गया तेरे लिए लड्डू फेवरेट वाले। अब यहाँ मत खाए, इसको खाए मत, यहाँ मत खाना, घर पे ले जाके खा लेना। अब घर पे ले जाके खाइयो, एक चिकू को भी दे देना, है ना। चल ठीक है, चल सब मत दे, तो हाँ थोड़ा थोड़ा बांटेंगे घर पे सबको प्रसाद। ओके, तो गाइस यहाँ पर रेखा को मैडम के पास दिखाने आए हैं डॉक्टर को। तो गाइस अभी रात के बज चुके हैं कितने, आप सामने घड़ी में देख लो भाई। अरे नहीं नहीं यार, घड़ी तो बंद है इसके टाइम, सड़ा बेचती होगी। नहीं नहीं गाइस, इसके अंदर नहीं, ये मेरे मोबाइल, इसमें मोबाइल के अंदर दिखाता हूँ आपको। अभी देखो रात के कितने बज रहे हैं, 10:14 हो रही है, 9 अप्रैल मंगलवार, देख लो भाई ओरिजिनल है, कोई फेक नहीं है। तो अभी रात के 10:15 का टाइम हो रहा है, ये पेरिए दूध, बिकॉज डॉक्टर ने इसको बोला है कि गरम गरम दूध, गरम गरम दलिया, गरम गरम रोटी, सब कुछ गरम खाना है। और गुड न्यूज़ तो, हालांकि प्रॉपर गुड न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने यही कहा है कि इंतज़ार करो। पहले पिछली बार जब हमने डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने ये कहा था कि बच्चा ऑपरेशन की तरफ जा रहा है, बट आज ये इंफॉर्मेशन मिली है कि बच्चा नॉर्मल डिलीवरी की तरफ आ रहा है। तो मैं तो भगवान से, हमारे कुल के देवी देवताओं से, सबसे यही प्रार्थना है कि हे प्रभु, हे देवी माता, नवरात्रों के अंदर इसकी डिलीवरी हो जाए, नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, कुछ दिक्कत नहीं हो, बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, आराम से सही रहे। और हमारे घर में शादी हो रहा है, और आने वाली आखा तीज का जो सावा है 10 मई का, उस दिन शादी भी है घर के अंदर, और मतलब शादी का भी माहौल है, प्लस इसकी डिलीवरी का माहौल है, दोनों अटके पड़े हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा करना क्या है। सच बता रहा हूँ, एक बात बताऊँ आपको, मुझे बहुत खुशी हुआ, आपने 4-व्हीलर चलाई थी। और हाँ, इसको आज मेरे 4-व्हीलर चलवाना सिखा दिया इसको, थोड़ा थोड़ा, आधा आधा, 100 में से 54, वो झिझक निकल गई 25%, मतलब वो झिझक निकल गई कि पहली बार चलाओ ना, झिझक रहे हो सुबह कोई भड़ ना जाओ, वो झिझक निकल गई हमारे अंदर से, निकल गई एक बार चलाने में, देखिए वो झिझक निकल गई। रेस मार कंट्रोल हम सोने, तो रेस कंट्रोल से क्या होता है ना, तेरे को गियर शिफ्ट करना नहीं आ रहा, स्टीयरिंग से मारना नहीं आ रहा। पहली बार सीट पे बैठी थी, लेकिन रेस वेस तो सही लगा रही थी ना। पहले काय पे बैठती थी, पहली काय वाले बैठी थी, बगल में बैठी थी पहली, तो वो तो सीट रही हो ना, तो गाई जहाज चलाई थी, बहुत दूर तक चलाई थी, आज मजा आ गया। इसने आज पहली बार गाड़ी चला ली 4-व्हीलर, तो इसको बहुत अच्छा लगा चला। मैं बोल रही थी, यह गुणगान कर दी भाई साहब, पीहर तक बात चला मुझे। अच्छा, मतलब इसने अपने पेहर में फैला दी पूरी ढाणी के अंदर। ओ मम्मी भी बोली थी पूरी ढाणी, काल तो पूरी ढाणी पता चल जा रहा, रेखा गाड़ी चला बलागी, 4-व्हीलर चला बलागी भाई साहब, वीडियो बनता तो पता चल तो है, वीडियो बना तो, नहीं तो वीडियो की क्या बात है इसके अंदर, तो वीडियो बना लेगा तो गाइस जल्द, बहुत जल्द हम भी हमारे खुद के पैसों की एक 4-व्हीलर लेके आने वाले हैं, और उसका टाइम नहीं बताऊंगा मैं अभी, वो तो सरप्राइज रहेगा सबके लिए, सरप्राइज रहने वाला है, वो कभी भी आ सकती है, हमारे खुद के कमाए हुए पैसों की 4-व्हीलर आने वाली है, और वो 4-व्हीलर एल्टो से लेकर के और स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर तक हो सकती है कोई भी, ठीक है, मतलब 5-6 लाख से लेकर 20 लाख, 6 लाख से 20 लाख के बीच में कितनी भी गाड़ी, कितनी भी बड़ी गाड़ी आ सकती है, तो वो सब बाद में बताऊंगा। और अभी का टाइम हो चुका है हमारा, 10:30 का टाइम हो गया है, और अभी इसको एक्सरसाइज कराने का टाइम हो गया है, तो मैं इसको छत पे लेके जा रहा हूँ, और छत इंतजार करना, बेबी गर्ल होगा, बेबी बॉय, अरे बेई बेई हो या ब्याण हो, मतलब फ्यूचर में बढ़ा रहा, बात करना खुशी तमीसु, ब्याण ब्याई को मतलब समझे, वो भविष्य में ब्याण भाई बना ला कोई का, तो ब्याण ब्याई बना ला भगवान,
भविष्य की बता रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं तो ऐसे ही मजाक करता रहता हूँ, तो पागल इंसान है, हमको पागल रहने दे, तू चल के फटाफट चल छत पे और एक्सरसाइज कर, तब तक के लिए मैं मिलता हूँ बाद में, बाय बाय।